फरुखाबाद के अमृतपुर तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन जिलाधिकारी संजय सिंह के द्वारा किया गया। आए हुए फरियादियों की सुनी गई समस्याएं, जिन पर 76 फरियादी पहुंचे, 8 को मौके पर ही न्याय मिला। जिलाधिकारी संजय सिंह, उप जिलाधिकारी पदम सिंह, पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा, सीओ रविंद्रनाथ राय, एडीओ पंचायत अजीत पाठक, सीडीपीओ तहसीलदार संतोष कुशवा, नायब तहसीलदार रविंद्र पाल, थाना अध्यक्ष अनिल कुमार चौबे, राजेपुर थाना अध्यक्ष दिनेश गौतम आदि कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। सबसे ज्यादा शिकायतें पट्टे को लेकर आईं। रुलापुर निवासी विजेंद्र ने शिकायत में कहा कि आम रास्ते पर जानवर बांधे जा रहे हैं। बल्लीपट्टी रानी गांव के कुशीराम पुत्र प्यारे लाल ने शिकायत में कहा कि चकबंदी में की गई अनियमितताएं और अपने नाम कराली जमीन ग्राम समाज पर कर लिया कब्जा। जिलाधिकारी संजय सिंह ने कहा है कि जल्द ही शिकायतों का निस्तारण कर मुझे 8 दिन के अंदर अवगत कराएं कि समस्त शिकायतों का निस्तारण हो चुका है या नहीं। कानून गो मान सिंह को पैमाइश न करने को लेकर जिलाधिकारी ने लगाई फटकार, इन्हें पैमाइश पर नहीं भेजेंगे, तहसीलदार को दिए निर्देश। निस्तारण सर कितनों का हुआ है? 8 के निस्तारण। दूसरा सर, यहाँ पे लगभग 1 महीने पूर्व अभी समाधान दिवस था, तो उसमें सीडीओ मैडम आई थी, कुछ विवाद हुआ, तो उन्होंने कहा था कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, क्या स्थिति है आपका, उस पर क्या आदेश है? अगर नहीं लगा है, एक भी नहीं लगा है, मैं इसको दिखवाता हूँ और लगना तो आवश्यक है, लगेगा। बाकी से जो निस्तारण होते हैं तो पता चलता है कि पूर्व समय एक निस्तारण ऐसा था कि प्रतिकूल भविष्य भी दी गई थी। निस्तारण होते हैं मतलब उसमें संदिग्ध रहता है मामला, निस्तारण होगा ऐसे कोई मामले अगर स्पेसिफिक हो तो हमें बताएं। जी एक भी प्रार्थना बताया है तालाब पे कब्जा है, वो कई बार दे चुका है लेकिन अभी तक उसका निस्तारण नहीं है। मैं दिखवा, मेरे संज्ञान में आया तो था, मैंने निर्देश दे दिए हैं, मैं इसको फॉलोअप भी करूँगा, क्यों नहीं हुआ अभी। कल टीम जा रही है, इसके लिए मैंने जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अफसर हैं उनको निर्देश दे दिया है, 3 दिन के अंदर ही मुझे रिपोर्ट दी। ये सर एक गांव की हालत नहीं है, पूरे ब्लॉक की हालत है। अगर आप इसको स्पेसिफिक बताएंगे तो मैं बेहतर इसका जवाब दे पाऊंगा। हाँ। अगर है तो मुझे बताएंगे। जैसे कई एक गांव हैं जिनमें नहीं वितरण हो रहा है वो गांव। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।